बारिश हो नहीं रही है और गर्मी काफ़ी, मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है हमारे बड़वानी का। तो दोस्तों, मैं हूँ पुनीत और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल मैग्नेटो 11। देखो यार, शक्ल सूरत पे मत जाओ क्योंकि काफ़ी अभी हालतें ख़राब चल रही है। नाई की दुकान पे जाने में फटती है तो इसलिए शेविंग वगैरह बनवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, बाबा जी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी कमाई है बाबा जी बनने में। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, कोई इसमें हम किसी भी तरह का इनलीगल काम को हम सपोर्ट नहीं करते। हम कभी ये नहीं कहते कि ये गाड़ी सेल के लिए है। ठीक है, एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखो, सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं, किसी को ये चीज़ पसंद आएगी, किसी को नहीं पसंद आएगी। तो लेकिन बनने में मेहनत तो लगी है ना, मतलब चीज़ अगर आपको नहीं भी पसंद आ रही है तो उस चीज़ को बनने में मेहनत तो लगी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर इस गाड़ी को बनने में जो मेहनत लगी है, अगर वो आपको दिख रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ इन फ्यूचर। का बैक लुक सेम टू सेम लेम्बोर्गिनी स्टाइल में। तो कुछ इतना काम हो चुका है गाड़ी में, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये टेल लाइट के लिए जगह बना दी है, इंडिकेटर के लिए और टेल लाइट और रिवर्स लाइट के लिए जगह बना दी है। ये एग्जॉस्ट यहाँ पर लगाया है, जनरली एग्जॉस्ट नीचे आता है, इसको यहाँ पर लगाया है इस बार। और ये पूरी जो जाली है ये भी कस्टम करके इसमें लगाई है, पूरा हैवी मेटल का बम्पर है और इसको पीछे से स्पोर्ट्स कार लुक देने के लिए ऐसा कुछ हमने बनाया है। और ये डिक्की है, ये डिक्की इधर से ऐसी खुलती है। गाड़ी का मुंह इस तरफ घुमा दिया है, अब इसका ये मतलब है कि फ्रंट पे काम चालू हो गया, क्योंकि इस तरफ मुंह घुमा के हम लोग काम करते हैं, इधर की साइड से सारी मशीनरी इधर पड़ी है ना, इसलिए ऐसा घुमाना पड़ता है। ये देख सकते हो बोनट पे पूरा मेजरमेंट लिख दिए हैं, कौन सी साइज़ में क्या चीज़ बनेगी। तो यहाँ पर कुछ बोनट बनेगा, फ्रंट बम्पर का काम कुछ यहाँ तक पहुँचा है। थोड़ा सा ये जो बोनट है, बोनट यहीं तक है, लेकिन ये वाला जो टिन का जो मेटल शीट है ये हमने इसके ऊपर पूरी वेल्ड की है, और ये एक पतली सी मेटल स्ट्रिप जॉइंट की है जो पूरे बोनट के आसपास राउंड हो रही है। और तो यहाँ तक हो चुका है हमारे फ्रंट बम्पर का काम। पिछली बार देखा था आप लोगों ने, ये वाली जो फ्रेम थी ये बन गई थी, अभी इस फ्रेम के ऊपर पूरी मेटल शीट को हमने वेल्ड कर दिया है। यहाँ पर भी बोनट को फिनिशिंग दे दी है, पूरा जो यहाँ का लुक था अब थोड़ा थोड़ा लुक आने लगा है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ पहले। तो इतना लुक बन चुका है, फ्रंट का बम्पर बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा फिटिंग और असेंबली का भी काम चल रहा है, मतलब जहाँ जहाँ पे नट बोल्ट जॉइंट होंगे, जो इस गाड़ी की ओरिजिनल बम्पर की जो फिटिंग थी वैसी फिटिंग इसके लिए बना रहे हैं, ताकि ये बम्पर भी ओपन हो जाए और वापस लग जाए, जब भी इंजन का कुछ काम करना हो या कोई पार्ट्स चेंज करना हो तो प्रॉब्लम ना हो, ओरिजिनल फिटिंग की तरह इसको खोल के और वापस लगाया जा सके। साइड में ये पूरा जो साइड बॉडी क्लैडिंग बोल सकते हैं इसको, वो बना दी है। दूर से मैं आपको इसका लुक दिखा देता हूँ फिर से। ये बोनेट का लुक है, पूरा बोनेट इस तरह से बन रहा है। और ये विंडशील्ड जो कट की थी इसको भी थोड़ा सपोर्ट दिया है, अच्छी हेवी विंडशील्ड हो गई है, मतलब ऐसा नहीं है कि छत काट दी है तो विंडशील्ड कमज़ोर होगी, स्ट्रांग है, इसको भी पूरा सपोर्ट दिया है। डैशबोर्ड लगना बाकी है, स्टेयरिंग वगैरह लगाना बाकी है। पीछे का लुक तो आप देख ही चुके हो, तो आगे बढ़ते हैं प्रोसेस से। ठीक है, और इसमें अभी हमने पुट्टी भर दी है, पुट्टी भरने के बाद अब इसको पूरा अच्छे से ग्राइंड करेंगे, पूरा फिनिशिंग देंगे। तो दोस्तों, ये गाड़ी पे हमने रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया है, अब ये गाड़ी जंग से सुरक्षित हो गई है। जो भी पूरा हमने मेटल का, जितना भी मेटल का पूरा काम किया है, वो सारी चीज़ें अब रस्ट से सेफ हो चुकी है। अंधेरी वेस्ट हो गया।
आप दोस्तों, मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है और इस पे अभी कर दिया है बेस प्राइमर। ये मेन कलर नहीं है, ये सिर्फ इसमें अभी बेस कोट किया है कलर को और अच्छा बनाने के लिए, ताकि जब फाइनल कोटिंग, दो तीन कोटिंग फाइनल की जो होती है प्रोसेस, वो होने के बाद इसका कलर निखर के आए। तो अभी ये बेस है, इसके बाद का वर्किंग प्रोसेस चालू है। तो दोस्तों, फाइनल कलर हो चुका है। आपने वीडियो में भी देखा कि कैसे पहले बेस कोट किया, उसके बाद फर्स्ट प्राइमर किया, उसके बाद जो फाइनल कलर है वो किया। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अभी इसमें ग्लोसी शाइन आना बाकी है, ग्लोसी शाइन आएगी उसके बाद ही गाड़ी में हम फिटिंग का काम चालू करेंगे, और जब फिटिंग काम कम्प्लीट होगा देन फिर मैं आपको इस गाड़ी का पूरा रिव्यू दूंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, कहीं मत जाइएगा। तो शुरुआत करेंगे फ्रंट लुक से। फ्रंट लुक में आप देखोगे कि जो लाइट्स हैं वो लाइट्स प्रोजेक्टर हैं और वाइट कलर की है, और ये साथ में जो वाइट रिंग्स हैं ये DRL है। इसके जस्ट नीचे इंडिकेटर का प्लेसमेंट किया गया है, बढ़िया मेटल का फ्रंट बम्पर बनाया है, इसमें बीच में बार लाइट भी लगाई है। सेम पूरा लुक जो फ्रंट से आ रहा है ये होंडा S660 के जैसा आ रहा है। इसके बोनट को भी उसी हिसाब से कस्टम किया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये पूरी क्लैडिंग्स वगैरह भी मेटल से बनाई हुई है, और ये क्रोम व्हील कैप्स का यूज़ किया है। अभी टायर सेम है, इसमें बड़े टायर लगना बाकी है, जब लगेंगे तब मैं एक इंस्टाग्राम पे आपको इसका फोटो डाल दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। कुछ पोर्शंस जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं वो एज ए डिज़ाइन यूज़ किया गया है, कोई उसका यूज़ नहीं है। इंटीरियर में सेम ड्यूल टोन डैशबोर्ड, ग्रे क्रीम कलर का। एयर नोब्स चेंज की है, म्यूज़िक सिस्टम इंस्टॉल किया है। स्विचेस जो देख रहे हो आप वो लाइट्स के स्विचेस हैं, बाहर की लाइट्स के स्विचेस अलग से दिए हमने। सेंटर आर्म रेस्ट लगाया है, बढ़िया से सीट कवर डाले हैं जो कि 10 कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। ये जो पाइप्स आप देख रहे हो ये इसके हुड के लिए है, इस पर एक हुड लगना बाकी है। हुड के लिए यहाँ पर स्ट्राइप दे दी है, वो पीछे बेबी सीट्स बनाई है, बच्चे लोग बैठ सकते हैं इसमें। और जस्ट पीछे आप आओगे तो काफ़ी हद तक हमने मिनी लैम्बोर्गिनी बनाने की इसको कोशिश की है पीछे से। ये इसकी टेल लाइट्स हैं, टेल लाइट, इंडिकेटर, रिवर्स लाइट। स्पॉइलर बनाया है मेटल का। ये ड्यूअल एग्जॉस्ट है, ड्यूअल एग्जॉस्ट दोनों वर्किंग है, मतलब अंदर से एक एग्जॉस्ट पाइप को इन दोनों से कनेक्ट किया है हमने। बूट स्पेस दिखाता हूँ मैं, आप टिक्की पीछे की तरफ खुलती है, पिछली वाली जो हमने ऑल्टो को जो लैम्बोर्गिनी बनाया था उसमें ये जो डिक्की थी ये इस तरफ खुलती थी। तो इसमें आप देख सकते हो स्पेयर व्हील, बेस ट्यूब वगैरह रखी, क्योंकि म्यूज़िक का अच्छा इंतज़ाम किया है हमने इसमें।
और ये जो बूट स्पेस है ये अराउंड 350 लीटर्स के हो चुकी है, मतलब आप काफ़ी सारा सामान इसमें रख सकते हो। डोर पैनल्स भी देख सकते हो आप, इस डोर पैनल पे पूरा नया रैपिंग किया गया है, फैब्रिक है ये, मतलब लेदर नहीं है, फैब्रिक का रैपिंग किया है। हाँ तो दोस्तों देखा आपने, इस बार हम गाड़ी को मारुति 800 को स्पोर्ट लुक में लाए हैं। हर बार आपने जीप लुक या फिर जिमी के लुक में देखी है या फिर ओरिजिनल गाड़ी देखी है, इस बार हमने लैम्बोर्गिनी के लुक में बनाई पूरी गाड़ी को। तो ये गाड़ी बनाने में हमें 1,25,000 रुपये का खर्चा आया है पूरा। इसका आप जो भी डेकोरेशन देख रहे हैं और जो लुक देख रहे हैं, इसमें टोटल खर्चा आया है 1,25,000 रुपये और ये गाड़ी को बनाने में लगा 1 महीने का समय नेट। से मध्य प्रदेश बड़वानी जिले में बस स्टैंड के पास ही हमारा गैरेज है। तो ये था हमारा नया प्रोजेक्ट जो आपने देखा, काफ़ी वेट करवाना पड़ा, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, क्योंकि काफ़ी सारी सिचुएशंस अभी ऐसी बनी हुई है कि जिसके कारण मैं गैरेज नहीं आ पा रहा हूँ या जिसके कारण काम रुका हुआ पड़ा है। काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ जो हैं उनका अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ट्रैवल करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, तो हम कहीं जा के सामान परचेस करके आ नहीं सकते। इस तरह से छोटी मोटी दिक्कतें काफ़ी सारी हो गई है इकट्ठी, जिसके कारण जो प्रोजेक्ट है वो डिले होता रहता है। ये एक पहला प्रोजेक्ट है, एक और प्रोजेक्ट भी है जो स्पेशली रेडी किया गया है, वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, उसमें आपको बताऊँगा पूरी डिटेल्स। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने सवाल भी वहाँ पोस्ट कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप सारे सवाल पूछ सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से सारे सवाल जो भी आपके मन में है इस गाड़ी से रिलेटेड वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जब कोई और प्रोजेक्ट कम्प्लीट होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।